किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेट कर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक है। इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में भी सरकार दुगने दाम में टेस्ट किट खरीद रही थी और सरकार को कोई दुगने दाम में टेस्ट किट बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था। लुटेरे मौलाना का खेल खत्म होने को है, धीरे धीरे उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश होता जा रहा है। आखिर ये जमात की कैसी शिक्षा प्रणाली है? पिछले दिन ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आगरा मॉडल की काफी तारीफ की थी, लेकिन अब आगरा गलत वजह से खबरों में है। आगरा के एक क्वारंटाइन सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को खाना पीने का सामान फेंक कर दिया जा रहा है। पीपीई किट पहने एक शख्स आता है, वह गेट के सामने बिस्कुट के पैकेट फेंक देता है। इसी तरह से चाय के कप भी गेट के बाहर ही रखे गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच करवाई थी। क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को अमानवीय तरीके से खाने पीने देने के मामले में वहां तैनात वीडियो को जिम्मेदार मानकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस सब पर हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया ने कोई बात नहीं की। देश में पीपी किट्स के प्राइस को लेकर हो रहे घोटाले के बारे में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में बात की, लेकिन उनके अलावा मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसकी बात कहीं भी नहीं की और ना ही सरकार से इस बारे में सवाल किए। एनडीटीवी के अरविंद गुणाशेखर की रिपोर्ट ने एक और राज खोल दी है। इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में भी सरकार दुगने दाम में टेस्ट किट खरीद रही थी और सरकार को कोई दुगने दाम में टेस्ट किट बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था, जबकि उससे अच्छी क्वालिटी का किट दक्षिण कोरिया से कम दाम पर मिल रहा था। भारत ने 6,50,000 रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगाए, मैट्रिक्स कंपनी ने चीन से आयात किया। एक किट खरीदा 245 रुपए में, उसे लेकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स को दिया और भारत सरकार को उसने 600 रुपए में बेचा। जब तमिलनाडु सरकार ने एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ऑर्डर दिया तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटर में झगड़ा हो गया, मामला कोर्ट में चला गया। एक घटिया किट दुगने दाम में बेचे जाने का खेल अदालत के सामने खुल गया। देश में कोरोना वायरस फैलने के साथ ही तबलीगी जमात के आयोजन के चलते काफी हो हल्ला हुआ था। मीडिया ने इस मुद्दे का सहारा लेकर एक ही धर्म पर निशाना साधा था, पर तबलीगी जमात के लोग जो इस वायरस से ठीक हो चुके हैं वे अपने ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि बाकी मरीजों को भी बचाया जा सके। ये तबलीगी जमात के अहबाब हैं कि खून यानी कि प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के नफे के लिए और COVID-19 को हराने के लिए, ताकि मुल्क से ये बीमारी ख़त्म हो उसके लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ये तबलीगी जमात के साथी हैं। पर अब हमारा मीडिया कहाँ है जो तबलीगी जमात पर देश में नफरत फैला रहा था? जब जमात के लोग अच्छा काम करते हैं तब मीडिया क्यों नहीं दिखाता? मीडिया देशवासियों में मानसिक दूरी बनाने का काम कर रहा है और कुछ बीजेपी नेता भी इसमें साथ दे रहे हैं। जहां एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में फैल रही नफरत के बारे में कहा है कि अगर कोई गलती करता है तो पूरे समूह को नहीं लपेटना, पूरे समाज से दूरी नहीं बनानी चाहिए। 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है और अपना बंधु है। वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मोहन भागवत जहां एक एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, वहीं मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा कि रमजान इस साल हो रहा है जब हम COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के बीच में हैं। आइए आज सही सावधानी बरतें ताकि आने वाले ईद उल फितर को उसी तरह से मनाएं जैसे कि पहले मनाया जाता है। और इसके उलट कुछ नेता समाज में लगातार नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारत में कोरोना फैलाने वाले तबलीगी अपने आप को कोरोना वॉरियर्स बता रहे हैं। कमाल है, तबलीगी अपने गुनाहों पर शर्म करने के बजाय लाखों कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। जैसे कि हमने बताया कि मेनस्ट्रीम मीडिया में भी इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। मीडिया पर किस मुद्दों पर डिबेट हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम उस मानसिकता की पोल खोलने वाले हैं जो कोरोना के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई को
कमजोर बनाने में लगातार जुटी हुई है। जमाती बिरयानी खाने के लिए मारपीट पर उतर आए हैं, पर ऐसा पहली बार नहीं है। अस्पताल में नॉनवेज बिरयानी नहीं मिलने पर उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हाथापाई की, गाली गलौज की। आखिर ये जमात की कैसी शिक्षा प्रणाली है? लुटेरे मौलाना का खेल खत्म होने को है, धीरे धीरे उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश होता जा रहा है। पुलिस लगातार ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के लिए ये मौलाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब तो 11 अकाउंट्स के बारे में पता लगा है जो कि संदेहास्पद हैं, मौलाना मरकज के मौलाना के बारे में, और एक शामली का जो उसका बंगला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार उस बंगले को खंगाल रही है और जो राज सामने आए हैं आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सुन, मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुनाहों की किताब में सिर्फ झूठ और फरेब नजर आते हैं। मौलाना की इसी झूठ से पर्दा उठाती देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम तो आखिर में यही मांग करेंगे कि पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करने वाले नेताओं और मीडिया चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया से भी अपील करेंगे कि नफरत फैलाना छोड़िए और देश को एकजुटता का संदेश देना शुरू कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।